हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स गुरुजी में। और काफ़ी दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है इस चैनल का, और उसके अलावा पर्सनली भी मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप एक वीडियो इस चीज़ पे बनाए कि कैसे हम XD को, XD की फाइल को, चाहे वो मोबाइल की हो या फिर स्क्रीन हो या फिर कोई डैशबोर्ड बनाया हो, कोई वेबसाइट बनाई हो, तो उस XD को कन्वर्ट कैसे करें HTML5, CSS, PHP, JSON, XML, jQuery, JavaScript, Android UI के अंदर भी। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न, क्रिएट एंड अर्न। तो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ है और मैं आपके लिए ले आया हूँ ये वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको एक YouTube चैनल भी बताऊंगा, एक है जहां से आप इस वीडियो के बाद से उसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी उसमें वीडियोस होंगी और मैं आपको HTML5, CSS और Android UI ये सब कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। हमारे पास कुछ डिज़ाइंस हैं, जैसे कि ये मोबाइल की एक स्क्रीन है, जिसे हम कन्वर्ट करेंगे एंड्रॉयड UI की कोडिंग के अंदर। और फिर मैं आपको एक चैनल पे भी ले चलूँगा। उसके अलावा आपको एक होम पेज जो है, एक वेबसाइट का एक लॉन्ग होम पेज है, इसे भी हम HTML में कन्वर्ट करके देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो के अंदर, और मैं आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और उसकी सेटिंग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, किस तरह से आप उसको यूज़ करेंगे, और उसका लास्ट में हम रिव्यू भी लेंगे कि कितना इफ़ेक्टिव ये है प्लगइन और किस तरह से उसको हम यूज़ करें। इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, पास में आ रहे बेल के सिंबल पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, तो यहाँ अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लगइन है एक, जिसे आप डाउनलोड करेंगे, और ये इस प्लगइन का नाम है एक्सपोर्ट किट, और ये इनकी वेबसाइट है, यानी exportkit.com पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप अपने Adobe XD में ही, सबसे बेस्ट रहेगा कि आप Adobe XD के अंदर ही इस प्लगइन को डाउनलोड कर लें। exportkit.com पे आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ्री डेमोज़ हैं, काफ़ी सारे कुछ फ्री टेम्पलेट्स भी हैं जो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये XD के अलावा आप फोटोशॉप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे Adobe XD से। तो Adobe XD में हम लोग किस तरह से इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, आप प्लगइन्स मेन्यू में जाएंगे, और ये मैक है, मैक में यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप प्लगइन में जा रहे हैं। प्लगइन में जाने के बाद आप एक्सप्लोर करेंगे नई, ये जो प्लगइन्स मेन्यू है इसमें जाएंगे, इसमें आपने लिखना है एक्सपोर्ट किट। अब अगर आप एक्सपोर्ट किट लिख रहे हैं तो आपको देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पे, लाइटनिंग स्ट्रोम नाम से। तो काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि ये एक्सपोर्ट किट नाम से अगर है प्लगइन, तो यहाँ पे हमें तो मिल नहीं रहा है एक्सपोर्ट किट। मैंने कुछ लोगों की वैसे ही, जैसे अपना जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर मैंने हेल्प करने की कोशिश की, वहाँ मैं एक्सपोर्ट किट भी लिख रहा था या पर्सनली भी लोगों को बता रहा था, तो उनको वो एक्सपोर्ट किट नहीं मिल रहा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि ये लाइटनिंग स्टॉर्म नाम से आपको मिलेगा, यही वो प्लगइन है। और क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड दिखा रहा है, आपके वाले में ये इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। आप एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आपकी लिस्ट में वो यहाँ आ जाएगा, जैसे कि आप ये यहाँ अभी देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से ये लाइटनिंग स्टॉर्म नाम से हमारा प्लगइन है। इसके अंदर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे HTML5, CSS, PHP, JSON, XML, JavaScript, jQuery, Android UI एंड XD प्लगइन, ये सारी चीज़ें हैं जिनमें हम इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो हमारे, जैसे कि HTML5 है, CSS है, PHP में कन्वर्ट करना, या XML में, jQuery में, या Android UI में, तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये हम करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी एक, जैसे कि ये होम पेज है, आपने इसको HTML में कन्वर्ट करना है, तो आप ये यहाँ पे क्लिक करके टॉप में इस पूरे आर्टबोर्ड को सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद इस प्लगइन में जाएंगे, और यहाँ पे जैसे कि HTML5 में कन्वर्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर, यहाँ पे एक्सपोर्टिंग नाम से एक ऑप्शन आया था हमें, और नोटिफिकेशन टाइप पे कुछ आया था, और उसके बाद में ये बोल रहा है कि आपने कहाँ सेव करना है। तो ये आपका एक पूछ रहा है आपने कहाँ करना है, आपने जहाँ मर्जी सेव कर सकते हैं इस चीज़ को। और जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो आपका ये वहाँ सेव हो गया है। तो चलिए, कन्वर्ट हो चुका है और हम इसे देखते हैं कि ये कन्वर्ट किस तरह से हुआ है। तो ये मेरा डाउनलोड में और इस फोल्डर के अंदर हुआ है, और यहाँ पे
अगर हम देखें HTML 5 होम पेज, ये है, ये HTML का पेज बनाया, ये CSS बन गई और ये इसके सारी जो इमेजेस जो है अपने आप जो है स्लाइसिंग होके यहाँ पे सेट हो गई है। चलिए हम इसको पेज को अब देख लेते हैं। मैं ओपन विद कर लेता हूँ क्रोम के अंदर और ये आपका पेज रेडी है। विद इन 1 सेकेंड आपका ये पेज रेडी है। ये देखिए, ये सारे टेक्स्ट सेलेक्टेबल है, ये देखिए सेलेक्टेबल है, ये सारा HTML है। ये देखिए, ये अलग अलग इमेजेस हैं। मैं इस इमेज को अगर ओपन न्यू टैब में करता हूँ तो ये इमेज आ गई है। आप ये PNG नाम से ये फाइल बन गई है यहाँ पे। और जो नाम बना है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे बीच और ये सब लिखा हुआ है, आगे PNG है। तो हम देखते हैं कि इस इमेज का नाम यहाँ क्या था और ये किस तरह से नेमिंग कर रहा है Adobe XD। तो लेयर्स में जाएंगे और मैं यहाँ पे देखूँगा कि ये इस फाइल का, इस इमेज का लेयर का जो नेम था वो वाकई में यही था, बीच 6125534 80, और यही जो है वो यहाँ पे, ये देखिए, ये इसका नेम आ गया है। तो अगर ये बेस्ट है अगर आप लोग यहाँ पे इन इमेजेस का नेम देते हैं, जैसे कि ये वाली इमेज है इसको बैकग्राउंड नेम देते हैं, ये अबाउट अस सेक्शन 1 2 3 इमेज इस तरह से, या आर रूम्स कुछ भी इस तरह से नेम जो भी देंगे आप वहाँ पे, आपको ये जो एसेट्स बन के आते हैं होम पेज पे, इनके आपको नेम भी उसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये सब कुछ इस तरह से प्रॉपरली इसने कन्वर्ट किया है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ होम इस पे लिंक पे, यहाँ पे देखें मेन जो मेन्यू है वो बिल्कुल पास पास में आ गई है, और अगर डिज़ाइन में देखते हैं तो ये दूर दूर थी, कुछ फॉन्ट की भी प्रॉब्लम आई है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम रिव्यू भी लेंगे कि ये किस तरह से प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। तो दोस्तों इतना भी काफ़ी है अगर आप देखें कि इसको कन्वर्ट किया है इसने, और हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं, इसकी कोडिंग में इसका जो कोड्स हैं वो चेक कर लेते हैं। पेज सोर्स में अगर जाके देखते हैं व्यू पेज सोर्स, तो ये देखिए, ये पूरी कोडिंग है इसकी जो किस तरह से हुई है। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे इस चैनल पे कोडिंग नहीं सिखाता हूँ, मैं ओनली यहाँ पे प्योरली जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है, यानी UI UX डिज़ाइनिंग ही सिखाता हूँ। लेकिन काफ़ी लोगों की डिमांड आ रही थी कि यहाँ पे HTML में कन्वर्जन भी बता दीजिए, तो मैंने कुछ स्टडी किया और आपके लिए ये ले आया हूँ। अब जो लोग डेवलपर्स हैं उनको अगर ये कोड मिलता है तो वो लोग इसको चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ लोगों से चेक भी करवाया था, ये वीडियो बनाने से पहले मैंने चेक भी करवाया कुछ कोडर से, कुछ नॉलेज मुझे भी है, मैंने देखा। तो ये जो कोड्स हैं इसमें कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, एक बहुत ही एक जो स्टैंडर्ड का कोड होना चाहिए वो नहीं होता हो पाता है। तो आई होप कि जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, कोडर्स होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, वो लोग इसी कोड में मे बी थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करके इसको परफेक्ट बना सकते हो। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट ले चलता हूँ मैं आपको एंड्रॉयड UI कन्वर्जन के अंदर। तो यहाँ अगर आप देखें कि ये एक अपनी स्क्रीन है, और इसको मैं अगेन लाइटनिंग स्ट्रॉम नाम की इस प्लगइन में जाता हूँ। यहाँ सेकेंड लास्ट ऑप्शन जो है मेरी स्क्रीन पे आ रहा है एंड्रॉयड UI का। तो ये जो आप एंड्रॉयड UI देख रहे हैं, ये देखिए मैं जूम करके दिखा देता हूँ। तो लाइटनिंग स्ट्रॉम के अंदर ये लास्ट में आता है एंड्रॉयड UI, jQuery XML वगैरह के साथ में एंड्रॉयड UI। तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन वही प्रोसेस चलती है। यहाँ देखिए आप एक्सपोर्ट कि ये जो प्रोसेस है वो चली, और उसके बाद ये इसने पूछा कि आपने कहाँ सेव करना है। तो फिर अगेन उसी फोल्डर में मैं सेव करता हूँ इसको, मैंने इसको सेव किया यहाँ पे, और अगेन इस फोल्डर में जाके हम चेक करते हैं। ये अभी लेटेस्ट वाली आई है फाइल, और इसमें आप देखेंगे कि ये XML फाइल बन के आ गई है। यहाँ पे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट XML फाइल आ गई है, टेक्स्ट फाइल आ गई है, जावा का फोल्डर आ गया है, RES नाम से फोल्डर आ गया। तो इन चीज़ों को मोस्टली ज़्यादातर तो कोडर्स ही जानेंगे कि किस तरह से, लेकिन इसने ये इसको कन्वर्ट किया है। तो दोस्तों जो कोडर्स हैं अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको इस तरह के नॉलेज है, तो वो इन चीज़ों को कन्वर्ट करके देखें, और इस जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। अब बात आती है कि अगर हमने इसको कन्वर्ट किया है, जैसे कि ये होम पेज जो था हमने ये बनाया था, तो ये क्या रेस्पॉन्सिव होगा? तो ये अभी फ़िलहाल जो वे मैंने बताया इसमें ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। आज के टाइम में हर एक चीज़ को रेस्पॉन्सिव करना पड़ता है अलग अलग डिवाइसेस पे, जैसे कि मैं ये कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये स्क्रीन की विड्थ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना चाहिए, इसने जो नहीं दे रहा है।
इसके अलावा अगर देखें कि ये जो बटन्स हैं वो काम करने चाहिए, एज ए बटन होना चाहिए, और कुछ फॉर्म अगर हमारा इस पर लगाया हुआ है तो वो एज ए फॉर्म काम करना चाहिए, जैसे कि ये है यहाँ पे टेक्स्ट, ये एक तरह से टेक्स्ट बॉक्स ही होना चाहिए। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाकई में काम करेगी एक्सपोर्ट किट से, क्योंकि इनका जो चैनल है एक्सपोर्ट किट का, इस पे मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे जो एडोब एक्सडी पे ही बताए गए हैं, बनाए गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। अगर आप देखेंगे कि तो एडोब एक्सडी के अंदर ही आप इस पे क्या क्या कर सकते हैं, HTML में कन्वर्ट कर रहे हैं जो वो है, इस पे रिस्पॉन्सिव करना भी बताया है आपको इन वीडियोज़ के अंदर। तो यहाँ मैं वीडियोज़ कुछ देख रहा था क्योंकि मैं प्योर ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, वेब डिज़ाइनर हूँ, तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों को आई थिंक नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन जो हमारे डेवलपर्स हैं अगर वो इसको यूज़ करें या जो डेवलपमेंट का नॉलेज रखते हैं वो लोग अगर इन वीडियोस को देखेंगे, तो मैंने देखा है कि मैंने कुछ एक चीज़ें करके भी देखी हैं और वो वाकई में काम कर भी रही थी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आप रेस्पॉन्सिव भी कर सकते हैं, आप अगर PHP में इसको कन्वर्ट करते हैं आपके डिज़ाइन को तो उसमें जो फॉर्म्स हैं वो भी वर्क करेंगे आपके, बकायदा वो सबमिट भी होते हैं, मेल भी चली जाती है आपके पास, तो इतना कुछ काम जो है वो होता है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ भी काम करेंगी आपकी प्रॉपरली, कैलेंडर भी काम करेगा, यहाँ पे कैलेंडर भी बन के आएगा, तो ये सारे काम करते हैं। बस इसके लिए ये है कि अगर मैं वीडियोज़ बनाने लगूँगा तो दोस्तों मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं समझता हूँ डेवलपमेंट के अंदर, तो मैं वीडियोज़ भी नहीं बनाना चाहूँगा, लेकिन आपको बता दिया है जो लोग ये जानते हैं करना, जो डेवलपर्स हैं वो डेफिनेटली, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि वो लोग इसको परफेक्टली यूज़ कर पाएंगे, एंड वो लोग भी जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लें, ताकि वहाँ पे आप लोग और लोगों की हेल्प कर सके कि किस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे, या इसको जो और ऑप्शंस इसके हैं PHP का, CSS का, अभी मैंने क्लिक कर दिया तो ये PHP में कन्वर्ट होना स्टार्ट भी हो गया है। चलिए सेव करके देख लेते हैं किस तरह की फ़ाइल बनी है। ओके, तो यहाँ पे ये PHP फाइल, यहाँ पे एक फोल्डर बना है, इसके अंदर अगर हम देखें तो homepage.php का बना है, ये CSS का पेज बन गया, और ये सारे जो इमेजेस थी वो स्लाइस होके अपने आप आ गए। तो बिल्कुल दोस्तों ये PHP का अगर कन्वर्जन करो, चाहे एंड्रॉयड UI में कन्वर्जन कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में कन्वर्जन कर रहे हैं, तो विद इन सेकेंड्स वो काम हो रहा है, तो बहुत सारी आपकी हेल्प हो सकती है। अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आपको पर्सनली भी करने पड़े तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो इजीली ये हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आगे की जो वीडियो आने वाली है मेरी, उसमें मैं आपको बता दूं कि जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप ये टेबल्स बना लें और बनाएं और इजीली, और इनके अंदर जो रियलिस्टिक डेटा डालें, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट और ये सब जो है ये एक डमी है, लेकिन आप अपने टेबल्स कैसे बनाएं और उस टेबल के अंदर डेटा क्विकली विद इन सेकेंड्स आप एग्जैक्ट और रियल दिखने वाला डेटा किस तरह से लगाएं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा भी मैं प्रोग्रेस पे हूँ, काफ़ी सारी और वीडियोस हैं जो अभी हम करेंगे, और उसके बाद में वेब डिज़ाइनिंग का एक ब्रांड न्यू सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप वेब डिज़ाइनिंग के साथ साथ UI डिज़ाइनिंग क्या होती है, UX क्या होती है, इसमें फ़र्क क्या होता है, किस तरह की जॉब्स होती हैं इन फील्ड्स के अंदर, कैसे आप जॉब ले सकते हैं, और भी काफ़ी सारी जो टर्म्स हैं जो वेब और ऐप डिज़ाइनिंग मीन्स कि ये पूरी UI UX चाहे वेब हो या मोबाइल एप्लीकेशंस हो, इन सारों के लिए मैं एक जो एक जनरल टर्म्स होती हैं उनको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस सीरीज़ के अंदर। तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि उसी के बाद ही आपको सारे अलर्ट्स मिलेंगे मेरी नई नई वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों वीडियो आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा, आपको एक स्टार्ट मैंने दे दिया है, अब आप जितना मर्जी से एक्सप्लोर कर ले, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी पूछें, डिस्कस कीजिए इन चीज़ों को, और वीडियो पसंद आई प्लीज़ बेशक आई ही होगी तो अपना जो लाइक्स वाला प्यार है वो ज़रूर देते रहिएगा, खूब सारे लाइक्स दीजिएगा वीडियो पे, शेयर भी कीजिएगा इसको, धन्यवाद, थैंक यू।